Hello, my dear children. Good morning to all. Say loudly, good morning, ma'am. Yes, very good. Very good morning to all, my dear children. कैसे हो आप सब? Very good. आप अच्छे हो? मैम को दिख रहा है आप अच्छे हो. आपने दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया है ना? चलो, वेलकम बैक टू अवर क्लास. हमारा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं. तो चलो हम पहले प्रेयर करेंगे और उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज एंड से विद मैम. आपको भी मैम के साथ बोलना है. ओके, चलो. थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट. थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट. Thank you God for the bird that sing. Thank you God for everything. आपने बोला मैम के साथ? Very good. चलो आज हम क्या सीखेंगे ये मैम आपको हम बताती है. ओके, आज हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी पहले रिवीजन करेंगे. हमने क्या किया था, क्या सीखा था हमने हिंदी में, क्या सीखा है? स्वर माला. ओके, आपको तो स्वर पता है कौन से स्वर है. अ आ ई ई उ उ रु ए ऐ ओ औ अम अहा. वेरी गुड. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के व्यंजन. अब आपको लगेगा ये व्यंजन क्या है. हिंदी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला के दो भाग हैं. एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन. स्वरमाला तो हमने सीख ली, स्वरमाला तो आप सबको आती है ना? जो अपने क्लास का श्लोक है उसकी एक छोटी सिस्टर है, बस 2 साल की है, वो भी बहुत अच्छे से स्वरमाला बोलती है. ठीक है, तो आपको तो स्वरमाला आती है. तो मैम ने अभी क्या बोला, हिंदी की वर्णमाला के दो भाग हैं. पहला भाग कौन सा है? स्वर. और दूसरा भाग व्यंजन. स्वरमाला तो हमने सीख ली, अब हम क्या सीखेंगे? व्यंजन सीखेंगे. ठीक है, पहले मुझे आप एक बात बताओ, जो हमने स्वरमाला सीखी है तो स्वर किसे कहते हैं? अगर आपको कोई पूछेगा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? स्वर मतलब जो हमारी आवाज आती है, हमारी आवाज में से जो स्वर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर. एकदम इजी इजी से मैंने आपको बताया है स्वर क्या, स्वर किसे कहते हैं. ओके, लेकिन और एक बात बताऊं, जो भी वर्ण किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है उसे बोलते हैं स्वर. उसे और दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है. अ आ ई ई एक ही आवाज आ रही है ना, इसमें दूसरी कोई आवाज नहीं आ रही है, दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लिए जाती है. जैसे देखो जिया, जी, जी मतलब ज और ई, ऐसे दो वर्ण है. वैसे स्वरमाला में क्या होता है, किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हम जिसको बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर. वैसे ही व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर के सहायता के साथ जो वर्ण बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूं. क, क ये क्या है? व्यंजन है. ठीक है, क, क में क्या है? एक स्वर भी छुपा है और व्यंजन भी छुपा है. कौन सा स्वर छुपा है क में? कौन सा? अ, क. क में दो आवाज सुनाई दे रही है. देखो क, क
क क ये जो उच्चार है वो अलग है और क में और एक स्वर सुनाई देता है। क का स्वर क्या है? अ, क, ठीक है। तो स्वर की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन, ठीक है। तो हिंदी की वर्णमाला के क्या भाग है, कौन से दो भाग है? स्वर और व्यंजन। स्वरों को किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है और व्यंजन को होती है। किसकी जरूरत होती है? स्वरों की। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। तो आज से हम क्या सीखेंगे? व्यंजन सीखेंगे, ठीक है। तो हिंदी की वर्णमाला में कौन से व्यंजन हैं? जैसे आपको स्वरमाला आती है वैसे अभी व्यंजन भी सीखने हैं, ओके। तो देखो कौन से व्यंजन है वो आज हम देखें, ओके। तो चलो हम देखेंगे व्यंजन, ओके। देखो ये क्या है? क, ख, ग, घ, और ये जो है इसे बोलते हैं ड़, ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ये उच्चार समझ में आएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, व्यंजन का हमारा ये आज का पहला ही क्लास है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलो देखो ये क्या है? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, और आखिरी व्यंजन है श्र, ठीक है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा फर्स्ट क्लास है, मैम ने अभी बोला। तो आज हमने बस ये इंट्रोडक्शन किया है व्यंजन का, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे व्यंजन एकदम अच्छे से सीखेंगे, ओके। हम आज व्यंजन सीख रहे हैं, ठीक है ना। व्यंजन का क्या होता है? हम जब बोलते हैं व्यंजन, जब हम बोलते हैं तब हमारी सांस, जो हम सांस लेते हैं ना, तो ये जो सांस है हमारी, ये सांस कहाँ से निकलती है देखना, हमारा कंठ, कंठों से निकलती है। और हमारा तालु, ये जो तालु है, जो जो हम स्वर बोलते हैं उसकी आवाज, उसका ध्वनि कहाँ से निकलता है? हमारे कंठों से निकलता है, हमारी तालु से निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए ये व्यंजन थोड़े से अलग है। जैसे म, होठों से, और क्या क्या बोला हमने, ख, कंठों से, ठीक है, ज्ञ, ज्ञ का उच्चार, ज्ञ का ध्वनि जब हम बोलते हैं तो कहां से होता है? हमारी तालु से, ठीक है। तालु मतलब हमारी जो ये टंग है, ये जो टंग है हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है, थीके? तो हम बोलते हैं ज्ञ, अण, ठीक है, न, हमारी दांतों को टच करते हैं, हमारी तालु को टच करते हैं, हमारी कंठों से आवाज आती है, ठीक है। वैसे हमने जब स्वरमाला बोला तो उस वक्त सिर्फ आवाज आई, अ, आ, ई, ई, उ, ठीक है, यस। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ना, स्वर और व्यंजन दोनों का फर्क आप समझ लो तो आपको स्वरमाला के जैसा व्यंजन भी इजी से समझ में आएगा और याद रहेगा, ओके, यस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में और बहुत अच्छे से हम
थोड़े 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 करके व्यंजन सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आज व्यंजन का पार्ट वन। टेंशन मत लेना, हम क्या किया है आज, हमने क्या किया, सिर्फ व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, ये बस हमने समझा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से व्यंजन लिखना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमने सीखा था अ से अनार, अ से अमरूद, आ से आलू, वैसे हम व्यंजन का भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तब तक